सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता अभियान के तहत बुधवार को एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह, आरटीओ अनीता सिंह की अध्यक्षता में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एनसीसी गर्ल्स बटालियन के सभागार में सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों के बारे में बताया गया। रोड पर अधिकतर युवा स्टंट करते हैं। स्टंट करने का दुर्घटना ज्यादा होती है। स्टंट करने वाले अपनी जान तो खतरे में डालते ही हैं, साथ ही साथ सड़क पर चलने वाले और लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बनते हैं। उन्होंने कहा कि वो देश के भविष्य हैं। आपकी सक्रियता एवं जागरूकता से समाज में भी जागरूकता आएगी, जिससे लाखों लोगों की जान की सुरक्षा हो सकेगी। उन्होंने कहा कि ITMS के माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से लोगों की जान बचाने अथवा दुर्घटना ना होने के लिए की जाती है। इस अवसर पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर मनोज कुमार राय, आरटीओ अनीता सिंह, एनसीसी बटालियन कप्तान डॉक्टर विनीता पाठक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने कहा, आप डिफरेंट हैं, इसीलिए यूनिफॉर्म पहने हुए हैं।
सारे यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट सारे स्टूडेंट यूनिफॉर्म के पहनते हैं। आपको स्टडी के दौरान ही यूनिफॉर्म मिली है, इतनी सेवा स्पेशल। और जब आप स्पेशल हैं तो आपको अपनी स्पेशल आइडेंटिटी को दूर करना है, आपको सोसाइटी को देना है, किसी भी समझते हैं। मैं बहुत ये प्यार करना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे साथ नहीं होगा, वो दूसरों के साथ होता है। मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मेरे से आगे कोई नहीं लगता। चौराहे बनने का आप हमारे साथ ड्यूटी कीजिए, उसमें हम आपको चौराहे की ड्यूटी भी सिखाएंगे और सिलेक्टेड ग्रुप के लिए हम इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ड्यूटी हो, चाहे सी आर पी एफ में हो, चाहे गॉर्ड में हो, चाहे सिविल पुलिस में हो, सभी लोगों का घुमा दे आगे डायरेक्टली एक काम होता है, कानून को लागू करता हूँ शांति घोषणा। या कोई आपको सस्पिशियस एक्टिविटी लग रही है कि ये लड़के बदमाश लगते हैं, और फोटो आप दे दो, ऐसा फोटो लीजिए इसका गाड़ी की नंबर प्लेट स्पष्ट हो, फिर आगे हमारा काम है, हम तक पहुँचना हमारा काम हो, आप इस नंबर को ले लीजिए। इसके अलावा किसी को अपने पहुँचने का टाइम नहीं होता है, खतरे में डाला है। मैं मीडिया बंदियों से अनुरोध करूँगा इस बात को आप पेपर में दे कि जिसने स्टंट किया वो जाएगा जेल। और ऐसे मामले हैं मेरे पास, हैं पर्सनल ऑडिट, ऐसे मेरे पास फोटोज हैं, वीडियोज हैं। एक बहुत मजेदार फोटो है, देखिए रोल ऑफ वुमेन पावर इन ट्रैफिक सेफ्टी, आज हमारा पूरा आयोजन इस पर आधारित हमने किया है कि हमारे कॉलेज के युवाओं का और स्पेशली उसमें गर्ल्स का क्या योगदान हो सकता है रोड सेफ्टी में और ट्रैफिक अवेयरनेस में। इसीलिए हमने ये पूरा सेशन गर्ल एनसीसी कैडेट्स के लिए ये किया है, और इसमें महिलाओं की प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए हमने JCI मिड टाउन क्लब के लिए भी आमंत्रित किया है, और सभी लोगों के सहयोग से महिलाएं, चूँकि 50% आबादी हैं हमारे देश की, तो जब तक घर से ट्रैफिक सेंस की, ट्रैफिक अवेयरनेस की शुरुआत नहीं होगी तब तक हम पूरे समाज में इस मैसेज को नहीं फैला सकते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है गोरखपुर की सभी सम्मानित महिलाओं से, सभी बेटर हाफ से, सभी माताओं और बहनों से कि अपने घर से इसको लागू करें, अपने पति को, अपने बच्चों को, बेटों को, भाइयों को, सभी को समझाएं कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। अल्टीमेटली सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जीवन का कोई विकल्प नहीं होता है, और सेफ्टी की शुरुआत घर से होनी चाहिए। जब घर से सेफ्टी की शुरुआत होगी तो निश्चित रूप से हमारी सड़कें और हमारा शहर सुरक्षित होगा। यही आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। थैंक यू।